आज की वीडियो में आपको बिपाशा बासु के घर बेबी बॉय के आने के बारे में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुछ समय पहले ही बिपाशा बासु ने अपनी और करण सिंह ग्रोवर के साथ अपनी प्रेगनेंसी की पिक्चर शेयर की थी। बिपाशा बासु की प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट के बाद से ही वो काफी चर्चा में रहने लगी थी और अब बिपाशा बासु के बारे में रिपोर्ट सामने आ रही है कि बिपाशा बासु ने एक बेबी बॉय को जन्म दिया है। जी हाँ, बहुत सारे चैनल्स और बहुत सारी रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है कि बिपाशा बासु एक बेबी बॉय को जन्म दे चुकी हैं, बट आपको बताते चलें कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फैक्ट चेक करने के बाद ये पता चला है कि बिपाशा बासु अभी स्टिल प्रेग्नेंट हैं और उन्होंने किसी भी बेबी बॉय या बेबी गर्ल को जन्म नहीं दिया है और ये सारी फेक र्यूमर्स और फेक न्यूज स्प्रेड की जा रही हैं। बहुत सारे चैनल्स पर बिपाशा बासु के बेबी बॉय के बारे में और भी सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उन्होंने कहाँ पर डिलीवरी की, हॉस्पिटल के नाम, उनके बेबी के नाम के बारे में और इस तरह की और भी बहुत सारी डिटेल्स बताई जा रही हैं। बट हम आपको बताते चलें कि बिपाशा बासु ने अभी तक किसी भी बेबी बॉय को जन्म नहीं दिया है और ये सब फेक न्यूज फैलाई जा रही हैं। ऑल्दो बिपाशा बासु और करण सिंह ग्रोवर ने अब तक इस बारे में कुछ भी बात नहीं की है और उन्होंने इन फेक र्यूमर्स के बारे में भी बात नहीं की। आपको बताते चलें कि कुछ समय पहले बिपाशा बासु ये बता चुकी हैं कि उनकी और करण सिंह ग्रोवर की ये विश है कि उनके घर बेबी गर्ल आए। ऑल्दो ये तो अभी तक नहीं पता कि उन्होंने जेंडर रिवील किया है या उन्होंने सिर्फ अपनी विश बताई है, बट बिपाशा बासु और करण सिंह ग्रोवर चाहते हैं कि वो बेबी गर्ल के पेरेंट्स बने। हम आशा करते हैं कि बिपाशा बासु और करण सिंह ग्रोवर की ये विश बहुत जल्दी पूरी हो और वो क्यूट सी बेबी गर्ल के पेरेंट्स बने। आपको बिपाशा बासु की बेबी बॉय की फेक न्यूज़ के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट्स में बताना ना भूलिएगा।